कहा जाता है कि खेती को यदि जुनून के साथ किया जाए तो इससे बेहतर कोई कार्य नहीं हो सकता। हिमाचल के जिला कांगड़ा के घाडर जरोट के किसान विवेक ठाकुर शून्य लागत विधि से जैविक खाद से खेती कर रहे हैं। अब उनके खेतों को मृदा प्रदूषण से मुक्ति मिल चुकी है और अच्छी आमदनी भी हो रही है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती देसी खाद गोबर व गोमूत्र का प्रयोग होता है। इसके लिए उनसे आधा दर्जन गाय रखी है जिनका गोबर वह अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं। वहीं पानी के लिए खेतों में एक नलकूप लगा रखा है ताकि जरूरत के समय फल सब्जियों को पानी मिल सके। किसान विवेक ठाकुर बताते हैं कि वह 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। वह अपने खेत में वे आलू, मूली, साग, सरसों, प्याज, गोभी, बंद गोभी, पालक के साथ गेहूं व मक्के की खेती करते हैं। सब्जियों का स्वाद भी जैविक खाद के प्रयोग से बेहतर हो रहा है। वहीं लोगों को केमिकल मुक्त खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं जिससे उन्हें कई बीमारियों से सुरक्षा मिल रही है। उनका मानना है कि जैविक खेती से तैयार फल सब्जी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा वह अन्य किसानों को जैविक खेती करने के गुर भी सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की खेती की प्रेरणा उन्हें पूर्व राज्यपाल द्वारा शून्य लागत खेती की मुहिम से मिली। उन्हें यह खेती अच्छी लगी और उन्होंने इसे अपने खेतों में शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वह अपने उत्पादों पर केमिकल का कोई छिड़काव नहीं करते हैं। उसकी जगह वह गौमूत्र, आकड़ा, धतूरा, नीम आदि को ड्रम में डालकर वे उसको स्प्रे बना खेतों में छिड़काव करते हैं। इससे उनके उत्पादों पर कोई प्रदूषण नहीं होता। किसी भी तरह के कोई भी उत्पाद बाजार से नहीं लाते, जितना भी सामान चाहिए खेती और खेत से ही जुटा लेते हैं। इस दौरान किसान विवेक ठाकुर ने अपने संदेश में किसानों को आग्रह किया है कि वह एक बार जैविक खाद से खेती तो शुरू करके देखें, उन्हें इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से ऐसी खेती शुरू करने के लिए किसानों के लिए कई योजनाओं के तहत सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। मैं विवेक ठाकुर फ्रॉम घारजोट। मैं इधर अपने घारजोट पंचायत में इधर शून्य लागत खेती 1.5-2 साल से कर रहा हूँ और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और मेरा लोगों से भी ये आग्रह रहेगा कि इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूंगा कि वो इस चीज़ का थोड़ा प्रयोग करें। हाँ, तो देख जी, ये जो शून्य लागत खेती है, ये कैसी खेती होती है इसका? ये सर ऐसा है, शून्य लागत इसको इसलिए बोला गया है कि इसमें आपको कोई भी बाज़ार की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो आपको कोई खर्चे का इतना एहसास नहीं दिलाएगी। मतलब इसमें गाय का मेन गोबर और गूंतर, उसमें आपको थोड़ा बेसन डाल के, कुछ चीज़ें डाल के इसको नेचुरल खाद जो इसकी जो बनाई जाती है, और ये स्प्रे फिर कीटनाशक के लिए भी बन जाती है, दूसरी पैदावार के लिए ज़्यादा पैदावार के लिए भी वो खाद तैयार की जाती है। अलग अलग तरह की ये प्राकृतिक खाद हम खुद घर में बैठकर तैयार कर सकते हैं गोबर के गूंतर और गोबर से। तो ये जो शून्य लागत खेती है, इसकी प्रेरणा आपको कब मिली और कब से शुरू किया आपने? ये प्रेरणा सर मेरे को पिछले 6-7 मंथ पहले ब्लॉक नगरोटा सूर्या से हमारे एक कैंप लगा पालमपुर में एग्रीकल्चर वालों का, और वहाँ पर ये इसके बारे में आचार्य देवव्रत जी के कार्यकाल में ये काम प्रोग्राम हुआ था, और उसमें सुभाष पालेकर जी जो महाराष्ट्र से हैं और वो काफ़ी समय से इस चीज़ को कर रहे हैं और उन्होंने रिजल्ट पाया है इस चीज़ का, और उनका प्रयास रहा है कि वो हिमाचल में भी ये चीज़ लाएं और लोगों को इसकी जानकारी दें, और इसके समरूप हमें वो जानकारी दी और हम तब से इसका आके 5-7 कनाल में मैंने शुरू किया फ़िलहाल, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और मैं इसको अब ज़्यादा आगे बढ़ावा देने जा रहा हूँ। तो अभी आपकी कितनी ज़मीन है और इसमें कौन कौन से जो है आप सब्जी या कौन कौन चीज़ें उगाते हैं शून्य लागत में? ज़मीन सर मेरे पास लगभग 150 कनाल से ऊपर है और 150-200 कनाल के लगभग ज़मीन है, लेकिन मैं सारी पे अभी वो खेती नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी 10 कनाल शुरू की है ज़मीन, जिस पे मैं ये देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि ये चीज़ में कितना फ़र्क है, क्या साव है, क्या आउटपुट दे रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं ये इसको बढ़ावा देने जा रहा हूँ सर, और ये मतलब थोड़ी इस बार 10 कनाल की है, आगे मैं 15-20 कनाल की सोच रहा हूँ कि इसका कोई भी, क्योंकि खर्चा कोई नहीं है और घर की अपना देसी गोबर खाद से ये जो भी है हमारा कीटनाशक घर में तैयार हो रहा है, खट्टी छाछ से हम कीटनाशक की स्प्रे कर रहे हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है सर, तो
ये है इसका सर ज्यादा। अभी अभी आप कौन कौन से उत्पादन जो है अभी उत्पाद तैयार कर? अभी अभी हम मटर हमारा चलने वाला है, गोभी चल रही है, बंद फूल दोनों चल रही हैं, पालक, सौंफ, धनिया, मूली, शलगम, ये भी आइटम अभी सारे हमारे चल रहे हैं। अब गर्मियों की भिंडी की और मूली की गर्मियों की बिजाई हो रही है और पिछले हमारे प्रोडक्ट अब ख़त्म हो रहे हैं और नए जो हैं वो अब बस नए गर्मियों के हिसाब से आगे बिजाई खीरे की करेले की वो उस हिसाब से हम आगे आगे टाइम टू टाइम करते चलेंगे। तो पानी का आपके पास क्या इंतजाम है? जैसे पानी बहुत ज़रूरी है इनके लिए। पानी तो सर बड़ा ज़रूरी है, पानी के बिना तो ये फसल असंभव है। पानी का ऐसा है सर, ये मेरा एक अपना पर्सनल बोर है और इस बोर से मैं पानी का जो भी है वो साधन चलता है। बाकी इरिगेशन का एक मैंने तालाब भी बना रखा है, 4 लाख लीटर टैंक है, उसमें इरिगेशन की सप्लाई सीधी उसमें आती है और कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को उधर इरिगेशन से भी पानी मिल जाता है। तो ये जो मार्केटिंग है, जो आप सब्जी उत्पादन करते हैं, हाँ जी, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग सर लगभग लोग 40% लोग घर में आसपास के जो भी हैं वो ले जाते हैं, लेकिन माल एक्सेस होने पर हमें मंडी जसूर में ही जाना पड़ता है। जसूर मंडी में माल हमारा दूसरे तीसरे दिन हम मंडी जसूर जी हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी आपका कोई अन्य प्रोजेक्ट भी चला रखा है सब्जी उत्पादन के पास? सब्जी उत्पादन के साथ मेरा डेयरी फार्म का नेचुरल ही साथ में चल पड़ा, क्योंकि घास काफ़ी हो जाता था, गोबर की मैल की ज़रूरत पड़ती थी, तो गाय मैंने 8-10 गाय रखी हुई हैं और उनका गोबर जो वो पशु इसके खेतों के काम आ जाता है, तो मतलब वो भी काम मेरा इसी के साथ मल्टीपर्पज होके अच्छा चला हुआ है। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट? इसके अलावा प्रोजेक्ट फिलहाल मेरे पास देसी मुर्गे का भी फार्म है, 250 देसी मुर्गा रखा है मैंने और ओपन ही, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है, कोई कुछ नहीं है, ओपन फार्म है वो टोटल, जाली लगा के वो 2.5-3 कनाल एरिया बंद करके ओपन बिल्कुल उसमें अंदर बना दिया उनको बैठने को, और वो जो उसकी वो मैल वगैरह है वो भी हमारे सब्जियों के काम जो है वो बाहर है। तो जैसे ये सब्जियों और आजकल जो है अंग्रेजी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, हाँ जी, तो उसकी जगह आप कौन कौन से वो कैसे करते हैं उसको? अंग्रेजी दवाइयाँ जो कीटनाशक के लिए कर रहे हैं सर, उसके लिए हम एक अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, प्राकृतिक ऑर्गेनिक अपनी जो देसी खाद से तैयार कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं, अग्नि अस्त्र बना रहे हैं, जैसे उसमें तंबाकू पड़ता है, गूंतर पड़ जाता है, फिर बेसन वगैरह पड़ेगा, मिट्टी पड़ेगी थोड़ी, उसका घोल बना के जैसे भी वो बनता है वो अग्नि अस्त्र बना के हम कीटनाशक का प्रयोग हम फिलहाल उसको कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो शून्य लाग खेती है, इसमें आपके कितने अभी कोई मजदूर वगैरह भी रखे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, मजदूर वगैरह सर मेरे पास 15-20 लोग हैं जो प्रॉपर ये काम हमारे दिशा निर्देश अनुसार जैसे हमारा होता है फाइनल, वैसे ये सारे वर्कर वैसे उसी हिसाब से काम करते हैं और रोटेशन वाइज हर स्टेप बाय स्टेप हमारा काम 1 ईयर का टोटल उसी हिसाब से चला रहता है। इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली है या सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता मिली हो? नहीं सर, ट्रेनिंग वगैरह सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं है, ये मेरा खुद का अपना ज़मीन थी, बुज़ुर्गों ने संभाली थी तो अपना काम मैंने अच्छा समझा और ज़मीन भी मैंने सोचा संभल जाएगी और अपना रोजी रोटी का साधन भी चल जाएगा और उसी के आधार पर मैंने ये काम शुरू किया था। तो आपको कितनी इनकम हो जाती है आपके हिसाब से? सर इनकम ऐसा है कि खर्चे भी बहुत हैं, इनकम तो खैर ठीक है, इनकम भी ठीक है और खर्चे भी ठीक है, लेकिन अब जैसे ये प्राकृतिक खेती चली है इससे हमें लग रहा है कि हमारे अब खर्चे कम होंगे और इनकम हमारी जो होगी वो सारी सोर्स जो है वो बचेगी। तो फिलहाल सर एवरेज ठीक है, एवरेज मक्की और कणक से एवरेज 1000 दर्जी अच्छी है। ठीक है, तो इस मौके पर आप कोई क्या संदेश देना चाहेंगे आगे जो हमारे किसान हैं उनको कि शून्य लाभ खेती कैसी खेती है? सर मेरा तो सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार हमारे बोलने पर इसको अमल में लाओ और एक बार इसको ट्राई करके देखें, आप दूसरी बार आप खुद उसको आजमाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप रिज़ल्ट ले लेंगे और रिज़ल्ट ले लेंगे बिना कोई खर्चे के, आपका जो ये खाद घर में तैयार हो रही है तो ये ट्राई करने में, यहाँ हमने कैंप लगाए हैं, काफ़ी 25-30 लोग आए थे, वो कैंप लगाया था हमने, ब्लॉक से टीम आई थी तो वो जो भी लोग हैं उसमें 18-20 लोग कर रहे हैं मैंने पता किया, तो वो उनका भी रिस्पॉन्स है कि नहीं रिज़ल्ट ठीक है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोच है कि इसको
गांव में, गांव से गांव ऐसे ऐसे लोगों तक इसको पहुंचाया जाए और एक बार इसको ट्राई अवश्य करें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.